हिस्सा हिस्सा इसको फेड आउट करेंगे। खवातीन आजाद, वेलकम टू आस्ना मनाया, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, तालियां। इस उम्मीद के साथ कि आप कलेजियां, बोंग पाए, सिरी सब हजम कर चुके होंगे। अपने गेस्ट को बुलाने जा रहा हूं। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, शो की तरह वो भी स्पेशल है। कई दिहाइयों तक पाकिस्तान के मॉर्निंग शोज पर राज करती रहीं। जब टीवी के अंदर होती हैं तो हमारी मॉर्निंग्स खूबसूरत बनाती हैं, जब बाहर होती हैं तो हमको खूबसूरत बनाती हैं। एक कामयाब डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और बेहतरीन टेलीविजन होस्ट हैं। आपकी भरपूर तालियों में माई फेवरेट शाइस्ता लोदी। बहुत देर में बुलाया आपने, लेकिन ईद के दिन बुला लिया इसलिए ठीक है, बचत है। सही किया ना, बड़े शो में बुलाया, बड़े और बड़ी ईद पे बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता। ऐसा है कि शो की रिवायत सी पड़ी हुई है कि जो गेस्ट आता है बैठने से पहले एक शेर सुनाता है, आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ईद है। हाँ, आम के रस को जूस कहते हैं। आम के रस को जूस कहते हैं। जूस कहते बहुत बड़ी बात है। और जो गोश्त न दे उसे कंजूस कहते हैं। वाह, और आगे मैं इंतजार कर रही थी कि हिरा और ये मुझे मेरे घर में गोश्त का हिस्सा पहुंचाएं, लेकिन नहीं पहुंचाया। हम वेजिटेरियन हैं। शाइस्ता प्लीज बैठिए, वेलकम टू आस्ना मनाया। तालियां होनी चाहिए शाइस्ता के लिए। पहला सवाल पहले ही कर लूंगा ताकि बाद में करने की जरूरत ना पड़े। शाइस्ता, पूछना चाहता हूं कि इतनी प्यारी क्यों है? अगर ये सवाल मुझे मायरा खान से पूछना पड़े तो मैं कैसे पूछूंगा? नहीं, मैं ऐसे ही पूछेंगे जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं। आपको झूठ बोलने की प्रैक्टिस है? नहीं, बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अभी कह रहे थे माय फेवरेट, तो मैंने सोचा आते आते वहां से कि यार ये वैसे कैसी होस्ट की जॉब होती है ना, बेचारे लगते हैं मुझे, हमें झूठ बोलना कितना पड़ता है। आप तो गुजरी हैं, आप तो गुजरी हैं इस जगह से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपके दर्द में बराबर के शरीक। मैं दिल से कह रहा था, आप मेरी फेवरेट। अभी तो दूसरी बार ये जिंदगी में मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ जी, ये बड़ी बात है। दूसरी बार, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दो दफा ताबिश आशिकी में मेरा इंटरव्यू करेंगे। अच्छा शाइस्ता, और क्या ख्वाहिश हो सकती है बंदे की जिंदगी में? हो तो सकती, मेरी तो बहुत ज्यादा है, पूछिएगा मत प्लीज। अच्छा शाइस्ता, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आज ईद का शो है और आप सालों ये काम करती रही हैं, ईद शोज एंड ऑल। एक मॉर्निंग शो ईद का जो हो, उसका क्या फॉर्मूला क्या होता है? बकरीद का स्पेशली क्या फॉर्मूला क्या है, क्या करें जो आराम से टाइम कट जाए? अब मतलब मुझे समझ में आ गया, वहां चलना है, वहीं चलते हैं। तो मॉर्निंग शो में बकरीद पे आपको खाने की तरकीबें भी बताई जाती हैं, और ये बताया जाता है कि आपके घर में मेहमान आ जाएं तो बजाय आप खाना खिलाने के उनसे गेम्स कैसे खेलें। अच्छा, ये भी है, गेम्स भी खेल सकते हैं आप जी। हाँ, ये भी शादी करा दी मेहमानों की, शादी हाँ मेहमानों के अलावा बकरा बकरी की। आप तो अच्छा, मैं खैर देखें, ईद का शो है, स्पेशल शो है, तो हम चाहते थे कि कोई ऐसा गेस्ट आए जिसने खुद भी ये काम किया हुआ हो, जिसने इसमें नाम कमाया हुआ हो, होस्टिंग की भी हो, मॉर्निंग शोज होस्ट की भी हो, लेकिन मजबूरी थी, निदा यासिर मिली नहीं तो। आप दिल पे मत लें यार। कहाँ लूं मैं? पूरे साल की सारी ईदें इसी मिठाई से निकालता हूँ मैं। गेस्ट खाते ही कितना सा, इतना सा, अब जाया कर देंगे मिठाई, इसको फ्रीज कर देते हैं, फिर इसको गर्म करते हैं, आपको खिलाएंगे। अच्छा, वो वाले होस्ट नहीं है जो सेट पे जितनी चीजें बच गई वो अपने घर ले गए, वो नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, छोड़ते कहाँ हैं सेट वाले, मुझसे पहले खा लेते हो। अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने एक देखा ईद का एक शो, बकरीद का ही था गालिबन, उसमें आपने बकरा बकरी की भी शादी कराई। आपने कहा कोई बंदा बगैर शादी के, अज़दवाज के, रिलेशनशिप के बगैर आपस में बात ना करे, बकरा बकरी आपस में शादी शुदा हो गए। अच्छा, सारा इल्जाम मुझ पे है। हाँ। आप बेचारगी सोचे मेरी कि जो प्रोड्यूसर है वो ये आइडिया ला रहा है और हम कर भी रहे हैं, और सिर्फ शादी नहीं थी, वो बकरा हमें इतनी प्रॉब्लम कर रहा था उस सेट पे कि हमें डायपर लगाना पड़ा था उस बकरे। अरे लिटरली डायपर पहना हुआ बकरा दूल्हा बना हुआ जगह जगह वो कबूले करता हुआ जा रहा था। हाँ, वो कर रहा था, हमने रोक दिया था उसे। बकरी को नहीं पहनाया? नहीं, बकरी तमीज की थी ना, शरीफ खानदान की बकरी, बकरा था बदमाश, उसकी अम्मी ने कहा होगा इसकी शादी जगह ठीक हो जाएगा, छोड़ रहा था। ये होता है ना, अम्मियाँ कह देती है इसकी शादी कर दो एकदम ठीक हो जाएगा, फिर कहीं नहीं करेगा ये कुछ। अच्छा,
साल 2000 में आपने MBBS किया जी, 2001 में आपने खबरें पढ़ना शुरू कर जी। ये क्या आपके मरीजों ने कहा कि आप ये काम छोड़ दें? जी नहीं, उस वक्त मरीजों के साथ मेरा सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। तो ये न्यूज़ कास्ट कैसे, डॉक्टरी के बाद ये सब? भाई पॉकेट मनी निकालनी होती है तो खैर। और डॉक्टर को मिलते ही कहाँ थे पैसे उस जमाने? जी बिल्कुल, मुझे आज तक याद है 6400 समथिंग कुछ। ये डॉक्टर की 5 साल की एजुकेशन के बाद पहली तनख्वाह होती है। और मेरे बच्चे के डायपर महीने के उतने क्या थे? डायपर बहुत आ रहे हैं, बकरा भी पहन रहा है, बच्चा भी पहन रहा है। नहीं देखिए, बेचारगी एक सीरियस चीज है कि आपने 5 साल पढ़ा है और उसके बाद आपको इतने पैसे भी नहीं मिल रहे कि सब। हाँ ये, और लाखों खर्च हो जाते हैं। हाँ। अब तो थोड़े बहुत बेहतर मिल भी जाते हैं, मगर आप कंपेयर करें इन्फ्लेशन से तब भी बहुत कम है। 35-40 हज़ार मिलते होंगे नए बच्चे डॉक्टर को? नहीं नहीं, अब तो बेहतर मिल रहा है। बेहतर मिल रहा है। लेकिन ये बताइए कि ये जो डॉक्टरी का 5 साल जो आपने सीट एक जाया की, जाया तो नहीं की, आप प्रैक्टिस कर? जाया नहीं की भाई। लेकिन अक्सर लोग, पाकिस्तान एक उन मुल्कों में शामिल है बल्कि शायद टॉप मुल्क है जहाँ सबसे खवातीन सबसे ज्यादा अपनी डॉक्टरी की डिग्री जाया कर रही हैं, पढ़ती हैं और उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करती। तो ये कैसी रविश है, इसको आप मॉर्निंग शो में एड्रेस कर चुकी हैं कभी? मॉर्निंग शो में तो नहीं एड्रेस किया, लेकिन वैसे इंटरव्यूज में हम इस पर बड़ी बात हुई है। लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि अच्छी जगह रिश्ते करने के लिए लोग लड़कियां पढ़ लेती हैं, प्रैक्टिस बाद में करती नहीं है, मेडिकल में इसलिए आती हैं कि उन्हें रिश्ते अच्छे मिले। हाँ भाई, कहते हो बड़ा अच्छा लगता है। भाई आपको पता है हमारी बहू डॉक्टर है और हमने हमारा बेटा मरीज है। बेटे अक्सर मरीज ही होते हैं। हाँ, लेकिन हर बीवी एक दफा डॉक्टर बन जाती है, चाहे उसने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो मेडिकल। दिमाग ठीक करने में एक्सपर्ट होती है। अच्छा शायद ऐसा है कि आप फैमिली के अंदर अकेली सेलिब्रिटी नहीं है, आपके भाई भी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और होस्ट भी है माशाल्लाह से। तो ऐसा होता है कि जब आप ज्यादा मशहूर कौन है, आपस में डिसाइड हो चुका है? नहीं, ये तो हमेशा डिसाइडेड है। अच्छा, उन्होंने खुद से तय किया हुआ या आपने भी माना हुआ है? नहीं, मैं मान लेती हूँ, मैं ऐसी बातों में प्रॉब्लम नहीं होती। जो मान रहा ठीक है। हाँ बस, आपको असलियत पता है? नहीं नहीं, ये बात बस ठीक। कभी ऐसा होता है आप निकल रही हो तो लोग कह रहे हो भाई साहिर की बहन जा रही है? बहुत दफा, बहुत दफा। और वो वाले लोग होते हैं जो कहते हैं वो देखो साहिल लोधी की, साहिल लोधी की बहन। और उनको कभी साहिर भाई को कभी कहते हैं शाइस्ता के भाई, शाइस्ता के भाई? गुस्सा करते हैं वो? मैं हूँ साहिर। नहीं, आई एम श्योर गुस्सा नहीं करते वो। करते तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुस्से के तेज है? मेरे बच्चों ने मेरे नाम सेव किया हुआ अपने फोन पे, अन्ना डॉन। अन्ना डॉन भत्ता लेती हैं हम उनसे, क्या करते? नहीं मैं हिटलर तो हूँ थोड़ा, मतलब मेरी अम्मा हिटलर थी तो मैं बड़ा उनको, जैसे अगर फर्ज करे मैंने उन्हें कहना है कि मुझे पढ़ना है तो 6 बजे आप उठा दें, मेरी अम्मा ने आके 4 बजे लाइट जलाई और बोला 6 बजे उड़ जाओ टाइप ना, इस तरह की अम्मा होती है हमारे। हाँ, अब मैं वो खुद कर रही हूँ बच्चों के साथ। अब हमें अंदाजा होता है बड़े होकर, जब हमारे बच्चे जाते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि हम भी अपने अम्मी अब्बू जैसे ही होते हैं। वही होते हैं, बिल्कुल वही होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, वो मेरी अम्मा मुझे कहती ना, देखो मैं जॉब से आई फिर लग गई, दादी के लिए खाना बनाया ये टाइप। अब मैं खुद कर रही होती ना अपने बच्चों को, मैं यहाँ गई फिर मैंने शो किया फिर मैंने क्लिनिक की, अब मैं आके तुम्हें भी कर रही हूँ। अब कौन हूँ भाई मैं, क्यों जता रही हूँ? अच्छा, अब्बा और अम्मा में ये फर्क होता है। अब्बा जो है ना वो पैकेज बताते हैं, घर से घर आएंगे ना, उनको क्या किया पूरे दिन, बस नहीं बस ऑफिस गए बेटा तो वापस आए, अब तो बस नहा धो के बिस्तर पे। अम्मा से अगर आप पूछे क्या किया पूरे दिन, बेटा खाना बनाया उसमें गोश्त डाला थोड़ी देर भुना फिर इलायचियाँ डाली अला, एक ही काम जो हो गया था जिसको अब्बा कहते भाई मैंने खाना बनाया, अम्मा उसकी पूरी रेसिपी भी देंगी। इतना अनपैक करके खुला बैठ गया। That's how we are. हम क्या करें, खबरें होती हैं ऐसी। अच्छा, और फिर अगर बीच में फुप्पो का फोन आ जाएगा, ओए होए, ओ हो हो, पूरे खानदान अफशा का देखा था तुमने? अफशा का देखा? मैं तो अल्लाह तौबा इन बातों में पढ़ती नहीं हूँ, मगर कहने वाली बात है। अम्मा इस तरह बहुत कहती, अल्लाह तौबा कहना नहीं चाहिए यार कसम से, मगर कह देती। मैं तो तुम्हें पता मैं करती नहीं हूँ, हालांकि वो ही कर रही है सामने बैठ के। बेटा मैं तो कभी फोन पे बातें ही नहीं करती लंबी। समझी, क्या टाइम हो गया? अच्छा 2 घंटे हो गए। अल्लाह झूठ ना बोलवा। अच्छा कहती अल्लाह झूठ ना बोलवा, 2 मिनट पहले अब्बा से उन्होंने 80 की चीज 200 रुपए की बताई थी। अल्लाह झूठ ना बोलवा। अच्छा भाई, ऐसा है अल्लाह झूठ ना बोलवाए कि बहुत प्यारी ऑडियंस बैठी और ये आपसे सवाल पूछना चाहती है जी। इनको मैंने मना भी किया मगर इन्होंने कहा नहीं हम तो पूछेंगे। अच्छा बस करें डायरेक्ट सवालों पर, मुझे पता मैंने ये सब किया सिखाया है। अच्छा नहीं, इनको कौन सिखा सकता है इनको, देखिए। अच्छा इससे पहले कि मिठाई बासी हो जाए, हल्का सा एक खा ले प्लीज, मुझे बुरा लगेगा
बहुत शुक्रिया। ये मक्खी वाली साइड हटा के आप, साफ है भाई पूरी मिठाई। अच्छा, इस पे हमने देखे कोई मक्खी नहीं आपको नजर आ रही, पूरी मिठाई में स्प्रे किया मैंने। ये मजाक कर रहे हो, मजाक कर रहा हूं, बहुत साफ खाना है। और भाई ऐसे कसम खाए यार, नहीं मेरे खाने के साथ मजाक करूंगा, खाने के साथ मजाक करूंगा, मैं आपके साथ करूंगा। अरे भाई ये यार, ये देखें कहां गई वो जो आपने खाई है, ये ले। ठीक सही मिठाई। अच्छा भाई, इतनी सारी है और गेस्ट और हम अमीर लोग तो इतनी से खाते हैं, तो हम ना ये जो अच्छा सवाल पूछेगा हम उसको मिठाई खिलाएंगे। ठीक है, डन। सब मर के जाएंगे यार। अब ऐसे सवाल किसके पास है पहला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या नाम है सर? अबू मोहम्मद फहद। अबू मोहम्मद फहद, वाह वाह वाह, भाई जन ऐसा लग रहा है कोई कुएं का तेल भी साथ लाए हो, इसलिए आप फहद बुला लें। अच्छा ये है फहद भाई, के क्या करते हैं आप? मैं मैनेजिंग कंसल्टेंट के तौर पे एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ। वेरी नाइस, कोई सवाल लाएं सर? जी मेरा एक डॉक्टर शाह साहब आपसे सवाल था। जैसे ताबिज भाई ने भी कहा कि निदा यासिर ने ये सब कुछ नहीं किया फिर भी वो आ गई, तो आपके करने का क्या फायदा हुआ? तो आपके करने का क्या फायदा? ये पूछना चाह रहे हैं। आपने डॉक्टरी की, क्लिनिक चलाया, उसके बाद मॉर्निंग शो होस्ट पर नहीं। हर इंसान डिफरेंट होता है, उनकी अपनी मेरा ख्याल उनका अपना टैलेंट है, वो हर यूनिकनेस तो होती है, तो उनकी अपनी यूनिकनेस है। मेरी ये सिर्फ चूंकि मैं पार्ट टाइम जॉब है मेरी, है मेरी एक पैरेलल एक और प्रोफेशन है, तो उसके लिए मुझे उस तरह से इक्विप्ड होने की ज़रूरत थी। तो अच्छी बात, आपको कम से कम ये तो पता है फार्मूला वन क्या है। अच्छी बात है, ये बराबर में भाभी हैं जी आपकी? आपकी, आपकी मतलब वाइफ है ना हमारी, हमारी भाभी हैं आपकी भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तैयबा। आपने क्या किया हुआ है? मैं बैचलर्स कर रही हूँ। कर रही हैं जी। और क्या इरादा रखती हैं? पढ़ाई के बाद कोई नौकरी करेंगी जी, या सिर्फ यहीं तक सरगर्मियां महदूद रखेंगी? क्या करेंगी जी? जॉब करूंगी। जॉब करेंगी। कोई एस्पिरेशन है करियर की? क्या करियर बनाना चाहती हैं? टीचिंग। टीचिंग में जाना चाहती हैं, वेरी गुड। कोई सब्जेक्ट पकड़ रखा है आपने? जी मैं टीचिंग में ही बैचलर्स कर रही हूँ अभी। आप एजुकेशन में बैचलर्स? वेरी जबरदस्त, बेहतरीन, वेरी गुड। इतना कुछ करने के बाद ये एहसास तो नहीं होगा यार ये क्या कर लिया? नहीं, बहुत अच्छा कपल लग रहा है, तालियां बजाइए इनके लिए। अबू मोहम्मद फहद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अंबर। अंबर क्या करती हैं आप? ब्यूटिशियन हूं और हाउस वाइफ। ब्यूटिशियन और हाउस वाइफ, वेरी वाइफ। कोई सवाल? हाँ जी जी, मेरा मिस जी से सवाल है कि आप जितने प्यार से इनसे बात करी थी मुझे लग नहीं रहा था कि आप मुझसे सवाल करेंगी, सवाल भी यहीं जाना था। आपसे सवाल करना है ना, पूछिए प्लीज। तो मेरा प्यार से कीजिएगा, प्यार से कीजिएगा प्लीज। अच्छा मेरा आपसे सवाल है मिस जी कि आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपके बच्चे भी आपके साथ होंगे और जाते भी हैं, तो कभी किसी ने, जैसे बच्चे यंग हैं आपके, आप भी यंग हैं माशाल्लाह, तो कभी किसी ने देख के कहा है कि ये बहन भाई वगैरह का कोई होता है? जी जी बहुत दफा, ये तो एक यूजुअल रूटीन बन चुका है हमारा। मजा आता है, बच्चे तो गुस्सा नहीं करते, क्या बात होगी हमें? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बच्चे भी मजा आता है, बहुत मजा आता है, खुश होते होंगे। अम्मी को इतना मैं वो कर रहे हैं, बहुत मजा आता है। आप मना करती है? नहीं नहीं भाई, बहन भाई नहीं है, बच्चे मेरे, ऐसा कहती है या जाने देती? मैं क्यों बोलूं, मैं जाने देती हूं। मैडम आप अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है भाई, झूठ बोलने की क्या बात है? अच्छा लगता है कि आपने इस एज में अपने आप को ऐसा मेंटेन किया हुआ है कि आपके, आप अपने बच्चों की अम्मा के बजाय बहन लग रही है। अच्छी बात, इसका क्या राज है? इसका भी तो राज बताएं ना। राज क्या है भाई, इनको मत बताएं। राज बताएं, राज के लिए आपको मेरी क्लिनिक पे आना पड़ेगा। अच्छा ये भी बात है इसमें? ओ चलो भाई, आहिस्ता आहिस्ता दिल आंटी के, अंबर मैडम के, अंबर मैडम के अंदर की मैंने स्क्रैच कार्ड की तरह खोद खोद के सांस निकाली। अच्छा ये बात भी है। तो देर आजाद वक्त हो, एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। मुझे इस हिसाब से आप तनख्वाह दो। उन्होंने कहा ठीक है दे दी, अब आधा हो चुका है सब कुछ, वो रेट डबल हो चुका है, मतलब इस तरह से हो चुका है, तो मैं तो बहुत गरीब हूँ। तो आप सच्चे पाकिस्तानी है, पाकिस्तान आके आप फकीर हुए हैं, सच्चे पाकिस्तानी है, लुटते गए, बोलना चाहिए ये देखो।
एवरीवन, वेलकम बैक टू आस्था मनाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक सर। ईद मुबारक, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल फाइन सर। क्या नाम है आप? रजा मीर। कोई सवाल लाए? जी जी बिल्कुल है मैडम से और आपसे एक ही क्वेश्चन है कि आप अपने मिलियंस ऑफ डॉलर किस बैंक में रखते हैं? मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो शायस्ता आपने कमाए हैं जी, पूरी इंडस्ट्री को बदल के, जी जी बिल्कुल, वो आप कहाँ रखती हैं? पाकिस्तान में रखती हैं या काश, बाहर? काश ऐसा होता कि मुझे भी पता होता, मैं रख के भूल गई हूँ। मेरा ख्याल है रख के मैं भूल गई हूँ। डॉलर, जब से डॉलर की प्राइस इतनी ऊपर चली गई है तो मैंने सोचा मैं और भूल जाऊँ ताकि 10-15 साल बाद निकालूँ उसको। मेरे पास नोट बदल गए सारे अमेरिका में, वहाँ चाइना की हुकूमत आ गई, इसीलिए तो बाहर रखे हैं। अब लोग कहते हैं पाकिस्तान से बाहर पैसा रखो, तो मैंने पाकिस्तान से बाहर बाहर रखे। भाई मैं FBR NAB की तवज्जो दिलाना चाहूँगा। आप जो ढूंढ रहे थे, आप जो बात कर रहे, यही बिल्कुल पकड़ ले मुझे, पकड़े फौरन। अरे वो आजकल बड़े सीरियस हुए हैं। हाँ अच्छा, और हम अभी पोल खोलें कि कोई कनाडा से लाहौर आके बिचारे ने एक, तो फिर वो कहाँ, वो चिड़िया ऊपर, हाँ ऊपर देखो चिड़िया को। आप देखो मेरे साथ जुल्म कैसा हुआ भाई। हाँ। जब मैं जियो में नौकरी तलाश कर रहा था उस वक्त डॉलर का क्या रेट था, हाँ। उस पर मैंने बढ़ा के बोला, मैंने कहा भाई ये हो जाएगा रेट, हाँ। मुझे इस हिसाब से आप तनख्वाह दो। उन्होंने कहा ठीक है, दे दी। अब आधा हो चुका है सब कुछ, वो रेट डबल हो चुका है, मतलब इस तरह से हो चुका है, तो मैं तो बहुत गरीब हूँ। तो आप सच्चे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान आके आप फकीर हुए हैं, सच्चे पाकिस्तानी हैं। लुटते गए, बोलना चाहिए परचस बढ़िया कि देखो। अच्छा आप अपना पैसा कहाँ रखते हैं? सर है ही नहीं, है ही नहीं। और उस पर आप बैंक में, सही बंदा बैंक में काम कर रही। देखो आप बिल्ली को अगर आप दूध की रखवाली पर रखोगे क्या होगा? अच्छा आप चाहते, आज के दौर में एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बंदा कहाँ इन्वेस्ट करे पैसे? आजकल बैंक में ही रखना बेहतर है क्योंकि प्रॉफिट ऑफ रेट बहुत ज्यादा है। आप चाहते हैं हम सब सूद खाएं और जानने में चले। अगला भाई, अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अंजुम। क्या करती है मैडम? मैं साहिवाल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। आप पढ़ाती हैं? जी जी। क्या पढ़ाती हैं आप? उर्दू। उर्दू पढ़ाती हैं। अच्छा मैडम अंजुम, क्या सवाल करेंगी आज आप? मैं शाइस्ता से ये सवाल करना चाह रही हूँ। शाइस्ता जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। हाँ जी थैंक यू। मैं आपसे सवाल ये करना चाह रही हूँ कि आप ईद वाले दिन जो है वह सो के गुजारती हैं या गोश्त बांट के? बहुत इंपॉर्टेंट तारीख में ये सवाल एक वैल्यू रखता है कि आप ईद वाले दिन सोती हैं या गोश्त बांट। नहीं नहीं मैम, ज़रूर मैं सोती तो सवाल ही नहीं हो सकता। एक घर में खातून खाना जो है वो कैसे सो सकती है? मेरी तो ड्यूटी होती है बच्चों को उठाना और फिर सारी चीज़ें इस तरह से। बकरे को उठाना तो बिल्कुल ड्यूटी नहीं होती। जिस वक्त कुर्बानी हो रही होती है तो मैं तो खिड़की से बाहर भी नहीं देख। अच्छा नहीं देख सकती आप? अच्छा, लेकिन गोश्त वोश्त को हैंडल कर लेती है? करना पड़ता है, क्या करें, मुर्दा बकरा संभाल लेती है, जिंदे बकरे में टेंशन। हां जी मैडम अंजुम, आप जो पड़ोसियों में और रिश्तेदारों में गोश्त बांटती हैं उसमें अच्छी वाली बोटियां डालती हैं या चर्बी वाली बोटियां? No. जिस तरह से आता है उसी तरह से, उसमें अलग नहीं करते हम। यानी जिस घर से जो गोश्त आता है वही गोश्त दूसरे जिस घर से नहीं आता। जिस घर से गोश्त नहीं आता, जब बाजार से कटिंग करवा के उसके लेके आते हैं तो जिस तरह से भी आता है उसी तरह से हम बांटते हैं। ये नहीं कि अपने लिए अलग रख लिया और लोगों के लिए। बहुत अच्छा, यही। अच्छा आप ये करती हैं फ्रीजर में रखने से पहले किसी के यहाँ से, वो क्या होती है, रान जो आती है नॉइ, तो वो उसमें ना मेरी अम्मा चिट्ठे लगा देती। हाँ, नाम लिख दिया चचा के हाथ से, फिरोज के हाथ से। नो नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसा था कि जब वो निकालें तो फिर लोग तो है ना वो 6-6 मंथ जो है ना वो इसका गोश्त खाते हैं। बकरीद होती गर्मी में, पाए तो निकलते सर्दियों में, तो 6-6 महीने का पाया होता है पुराना पाया। अल्लाह इतना और क्या। अबे एक दिन तो भाई हमारे पड़ोसी ने ऐसी रान भेजी, रॉड डली थी बकरे के यार। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक सर, क्या नाम है आपका? सुहेल। सुहेल सर क्या करते हैं आप? बिजनेस करता हूँ। काय चीज का? ये स्टेनलेस स्टील का काम है मेरा। स्टेनलेस स्टील का काम, मजबूत काम है आपका? हाँ जी। सर कोई सवाल करेंगे या सिर्फ देखेंगे? हाँ, मेरा शायद
कोई सवाल? हाँ, शायस्ता से इनके भाई से है कि मैं 20 साल से ज्यादा इन्हें देख रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे की ऐसी है वजह। सर आप भाभी के साथ आए? जी सर। कितने साल हो गए शादी को? हो गए 50 साल। आपको हुए हुए कितने साल हो गए ये नहीं पूछ रहा, ये हुए हुए कितने साल हो गए ये पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरी शादी को 40 साल हुए हैं। 40 साल हो गए? नहीं नहीं, आप 10 साल की उम्र में शादी हो गई? नहीं नहीं, बस गए सर, सब बर्बाद हो चुका है सब टाइम, अब समझ में टाइम और स्पेस से बाहर जा चुके हैं। सर मुझे 20 साल से आप क्यों देख रहे हैं, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? बस टीवी देखने का शौक है। टीवी देखने का शौक है। टीवी देखने का शौक, वेरी नाइस। भाभी से थोड़ी बात करा देंगे? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम? साइमा। साइमा मैडम, आपको पता है कितने साल हो गए शादी को? जी 40 साल हो गए माशाल्लाह। हाँ जी, 40। इस 40 साल में इनके अंदर क्या क्या बदला? वैसे ही है जैसे वैसे ही है। 40 साल पहले भी ऐसी थे? हाँ, नहीं थोड़े कमजोर थे। काफी बड़े लगते होंगे। कमजोर थे थोड़े थोड़े कमजोर थे आप जरा। थोड़े कमजोर थे। सर माशाल्लाह बहुत प्यारे हो चुके आपको मिठाई खिलानी पड़ेगी। सर मैं आपको खिलाऊंगा, आप ये पकड़े और भाभी को आप खिलाएं। मैं मेरा झूठा भाभी को खिलाए यार। राधे बाबा को बैठ जाए सर, बैठ। बहुत प्यारा कपल है आपको। कैसे ये बताइए, 20 साल से देख रहे हैं आप दोनों भाई बहन, माशाल्लाह वेल मेंटेन्ड, इज इट इन योर डीएनए तभी ऐसे हैं, या कुछ आप लोग खास कोई करते हैं एक्सरसाइज या कोई मेडिटेशन? मेरा ख्याल है टीवी पे जो भी आता है जिस बिजनेस में है वो अपनी डाइट वाइट का ख्याल रख ले, अपना ख्याल रखते हैं। ठीक है, आओ भाई अगला। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? मेरा नाम है श्वेब। सवाल है तुम्हारे पास? जी जी, आपसे सवाल है। अच्छा जी, करो ना। ईद उल अजहा के मौके पे जब कुर्बानी होती है तो कुछ घर वाले जो होते हैं वो कुर्बानी जो होते हैं वो घर पे ही करते हैं, तो जो अक्सर जो है वो हम छुरी जो है लड़के चलाते हैं, तो आपने कभी चलाई है या आप बर्गर बच्चे हैं? नहीं नहीं, मैंने चलाई भाई जान, मैंने चलाई है, मुझे बहुत सी छुरी चलानी आती है। असल में मसला ये था, हमारे अब्बा डरते थे इस काम से, तो वो बचपन से मुझे लगाते थे कि बेटा कोई बात नहीं, सीखना चाहिए बच्चे को। हमें पता नहीं था, हमें समझता था अब्बा हमें ट्रेन कर रहे हैं। हाँ। वजह ये थी कि वो डरते थे ये करते हाँ। थे। सारे अब्बा, मेरे अब्बा भी डरते हैं। आपको पता है मेरे भाइयों को बचपन से प्रैक्टिस है, क्योंकि वो खुद नहीं करते थे, छुपते थे मेरे अब्बा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात बताई बचपन से, क्योंकि मैं जब पहली बार जब मैंने किया ना, तो जो कसाई था वो काफी अच्छा कसाई था, उसने मुझे बताया था कि बेटा तकलीफ ना हो, छुरी तेज हो, तो मेक श्योर करना चाहिए कि यार जो भी आप में से अभी कुर्बानी हम कर रहे हैं, कुछ कर चुके होंगे, ईद का दिन है, तो छुरियाँ एकदम तेज हों और सही जगह पे हों, सही जोर जबरदस्ती नहीं करनी उसको। ये नहीं करें। और नहीं आता ना बेटा कसाई को दे दो, सिर्फ हाथ रख दो आप। ठीक सही है, कसाई के ऊपर थोड़ी देर हाथ बर्दाश्त कर लो। तकलीफ ना, तकलीफ ना। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, समय कहीं जाएगा। जैसे रेडियो पे हम रेडियो सुनते थे, FM 100 शुरू हुआ हमने सुना, लेकिन जब हम देखते थे जाके RJs को, तो वो आवाज़ से बहुत डिफरेंट और एक शॉक लगता था आपको। और आजकल भी यही है कि तस्वीरें फिल्टर से खींची जाती हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और आप इतने खूबसूरत नजर आ रहे हो, बताइए तो आपको नहीं, क्या नहीं। लगा इतने फिल्टर की तस्वीर नहीं भेजी थी, जैसी तस्वीर थी उससे ज्यादा खूबसूरत है। Ladies and gentlemen, welcome back to Aslam and I, presented by Surf Excel. Assalamu alaikum, Eid Mubarak. Khair Mubarak, Tabish bhai. Wa alaikum assalam. क्या नाम है भाई? अब्दुल्ला वसीम। अब्दुल्ला वसीम, कोई खास वजह रही होगी कि इतनी सारी खवातीन में आप अकेले और वो भी कोने पे आपको साइड करके बिठाया गया है? मैंने शो स्टार्ट होने से पहले कहा था कि मैं पीछे चला जाता हूँ, बट वो कहते हैं ओके आप यहीं पे बैठे रहें। ये तो तुमने कहा इस तरीके से नहीं होगा। मैंने भी जरा हल्के से, हाँ हल्के से कहा। क्या करते हो तुम? मैं DDNS कर रहा हूँ, डॉक्टर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन। वेरी फाइनल ईयर जी। मेरा डॉक्टर शायस्ता से सवाल है कि आपने मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी ग्रो किया और इंडस्ट्री साइड पे भी, तो आपने कौन सी फील्ड ज़्यादा इन्जॉय की? मेडिकल। मेडिकल, कौन सी? मेडिकल। इसमें इन्जॉय क्या करने वाली बात है? पसंद आया
भाई, उनका मतलब ये था, एंजॉय का मतलब क्या है, मतलब पसंद आया। नोट किस में ज्यादा? नहीं, नोट की बात नहीं है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है जॉब पे आपको। अच्छा। तो मुझे लगता है कि मैं ये काम करती हूँ, मुझे जब जिनके काम कर रही हूँ उनको अच्छा लगता है, मरीज शिफा पा जाते हैं, तो उससे दूसरों को भी आपका मरीज बहुत अच्छा लगने लगता है। हाँ, वो काम करती है ना, सिर्फ मरीज को अच्छा लगता है बल्कि जब मरीज बाहर निकलता है। लेकिन इसका एक सीरियस पहलू भी है कि हमारे यहाँ खवातीन, कुछ हमारी सोसाइटी इस तरह से है कि हम बहुत ही इनसिक्योर होती हैं खवातीन अपनी कोई भी आँख नाक मुँह को लेके, पर जब उनको अच्छा लगता है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है तो वो अच्छी लगती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ताबिश भाई, ईद मुबारक भाई, क्या हाल है? खैर मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्रेज अरशद। अब्रेज अरशद, अब्रेज क्या करती हो तुम? मैं डॉक्टर फॉर ऑप्टोमेट्री कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ। अरे वाह, देख रहे हैं हर किस्म का बंदा मौजूद है, हर किस्म का डॉक्टर। क्या ऑडियंस है आपकी? पूरा एक इंसान तैयार हो सकता है इधर। ये शाइस्ता मैम के लिए सब डॉक्टर इकट्ठे हुए हैं। हाँ ये तो अच्छा। बेटा ये बताओ, सवाल है आपके पास? जी जी, शायरी थी। शायरी? जी जी, बताओ। शाइस्ता मैम के लिए। तेरी सूरत से आलम में बहारों को सबात, शाइस्ता तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है। अबे उधार रखा है, कर्जा रखा है, भूख मरी रखी है, बंदे मर रहे हैं, गुर्बत है, तुम्हें आंखें नजर आ रही? वैसे मैं आंखों का डॉक्टर है ना, इसको और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। वेरी गुड बेटा, तुम आंखें, गंदी आंखें सही करोगे या खराब आंखें ठीक करोगे? ये ताबिश भाई आपकी आंखें सही करेंगे। हाँ यार, मेरी थोड़ी बड़ी कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक मेरी जान, क्या नाम है आपका? अरसलान मसूद। अरसलान भाई, शाइस्ता ऐसा है कि आपने करोड़ों शादियां कराई होंगी, जिनकी हुई हुई थी उनकी दोबारा कराई होंगी, जिनको नहीं करनी थी उनकी कराई होंगी, मगर ये इनकी आपने नहीं कराई। इनकी हुई है ख़ास तरीके से, यानी कि एक ऐप से। उस ऐप का नाम है दिल का रिश्ता। भाई जान जो है, इनकी नई नई अभी शादी हुई है, दुनिया घूम ली, हज़ारों खवातीन से बात करने की कोशिश की, किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, फिर दिल का रिश्ता इनके काम आई। बताइए भाई, कार गुजारी अपनी? जी ऐसे ही है कि एक डेढ़ साल जो है ना, वो डिफरेंट मैच मेकर्स ने हमें प्रपोजल्स दिखाए लेकिन कोई भी अच्छे नहीं लगे। एक उनको दिन, आप अच्छे लग रहे थे लगा? उनको भी ये अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन एक दिन रोड साइड पे जो है ना, बिलबोर्ड देखा, दिल का रिश्ता ऐप देखी, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया, वेरिफिकेशन हुई, बहुत सारे प्रोफाइल्स देखे और सबसे अच्छी मुझे प्रोफाइल लगी वो मेरी वाइफ सोबिया की लगी। अरे वाह। और हमारे पेरेंट्स आपस में मिले और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो शादी हो गई। वेरी नाइस, ताली होनी चाहिए। ये ऐप्स हैं जो मॉर्निंग शो बंद करा देंगी। हाँ, वो करा दिए, करा दिए, करा दिए। सोबिया अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। तो प्रोफाइल आपने बनाया था या इन्होंने पहले बनाया था? नहीं नहीं, इन्होंने भी प्रोफाइल बनाया था, मैंने भी बनाया था, लेकिन ये था कि प्रोफाइल जो था, मैंने जो था, मुझे तो नहीं पता कि इन्होंने कब बनाया था। मैंने तो जियो न्यूज़ पे एक दिन मैं जो है वो न्यूज़ देख रही थी, तो मैंने यहाँ पे ऐड देखी दिल के रिश्ता की, तो फिर जो है वो भाई भी मेरे साथ ही बैठे हुए थे और आप भी बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम इस ऐप के थ्रू जो है हमारा रिश्ता जो है वो करें। तो फिर इसके थ्रू मैंने अप्लाई किया, अकाउंट वगैरह सारा कुछ बनाया, तो सबसे जो अच्छा प्रपोजल लगा वो इन्हीं का लगा था। तो बस फिर उन्होंने फिल्टर वाली तस्वीर लगाई थी। नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ। मैं पूछना चाह रही हूँ क्योंकि होता अक्सर ये है कि आप जैसे रेडियो पे, हम रेडियो सुनते थे, FM 100 शुरू हुआ, हमने सुना, लेकिन जब हम देखते थे जाके RJs को, तो वो आवाज़ से बहुत डिफरेंट और एक शॉक लगता था आपको। और आजकल भी यही है कि तस्वीरें फिल्टर से खींची जाती हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। और आप इतने खूबसूरत नजर आ रहे हो। बताइए तो आपको नहीं, क्या नहीं। लगा? इतने फिल्टर की तस्वीर नहीं भेजी थी, जैसी तस्वीर थी उससे ज्यादा खूबसूरत है। जियो न्यूज़ पे ये खबर देखी है, तो तुम्हें क्या यकीन आ गया कि सही होगी? नहीं, वो ऐप थी तो ऑब्वियसली बात है, कोई वैलिड है जियो पे, एवं तो नहीं कभी चलता, तो हाँ। ये प्रॉपर जो था चैनल था उसके थ्रू ही तो था, तो फिर इसीलिए जो है मैंने अप्लाई किया, तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि जियो देखने का एक तो फायदा हुआ। अच्छी जगह
तुम कभी 10:11:05 पे जियो देखना। जरूर देखती हूँ, रोज देखती हूँ, बल्कि मैं तो इंतजार भी करती हूँ आपके शो का। रोज आता नहीं है वैसे, तुम गलत इंतजार कर रही हो। फ्राइडे को आता है, सिर्फ हफ्ते में 3 दिन आता ही है। नहीं, क्योंकि जब सुबह न्यूज सुन रहे होते हैं मॉर्निंग में तो वो कमर्शियल आ रही होती है, जी जी, तो उस वक्त जो है वो देखते हैं, तो फिर इस तरह से इंतजार होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा कपल लग रहा है भाई, अल्लाह भाई इस तरह खत्म नहीं होगी। फ्रेश पीस बना, कोई जिंदा नहीं जाएगा, ये पकड़ो, राधे को खुद खिलाओ, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये सही था। वो जो याद करके आया है वो वही बोले, वही बोले। ईद मुबारक भाई, पहले ईद मुबारक। ईद मुबारक। वजी अंसारी मेरा नाम है। वजी अंसारी जी, वेरी नाइस। वजी क्या करती हो तुम? मैं वैसे तो MBA कर रहा हूँ, उसके साथ साथ बहुत सारे काम कर रहा हूँ, बिजनेस भी है और यूट्यूबिंग भी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कोई काम ठीक से कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? कोई काम ठीक से भी कर रहे हो? सारे काम टेढ़े मेढ़े ही चल रहे हैं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह हो जाए, इस उम्र में टेढ़े मेढ़े ही चलते हैं। कोई सवाल है? सवाल नहीं है, मतलब एक शेर है, मैं चाह रहा था, असल में मेरे भाई का शेर है वो, मेरे भाई ने लिखा था, उसको मैंने कहा था कि किसी के लिए शेर लिखना, तो उसने एक शेर लिखा था, मैंने सोचा कि वो मैं क्यों ना आपको सुनाऊँ। वाह। जाहिर हुई है इश्क में क्या क्या करामाते, जाहिर हुई है इश्क में क्या क्या करामाते, होने थे मौजजात मगर देर हो गई, होने थे मौजजात मगर देर हो गई, उम्र निकल गई, कैसे गुजारा हुआ हमारा तुम्हारे बगैर, लिखते वो वाकयात मगर देर हो गई। वाह वाह। मसरूफ हो गए कमाने में इस कदर, मसरूफ हो गए कमाने में इस कदर, लाखों थी ख्वाहिशात मगर देर हो गई, देर हो गई, सोचा था आपको मिलकर सुनाऊंगा तफसीले हादसात मगर देर हो गई, कातिब मेरी तरफ से गलत फहमियां रहीं, सुलझे मामलात मगर देर हो गई। वाह वाह वाह, बहुत बहुत देर हो गई। अंसारी और बात होती तुमसे मगर देर हो गई, इससे पहले कि आपके भी देर हो जाए, जल्दी से एक ब्रेक लीजिए, वापस आइए, आस्था मनाए कहीं नहीं जाएगा, तालियां। हमने इसको एक हफ्ते प्रैक्टिस किया ना, लिटरली एक हफ्ते तक आप लोग कोबरे पप्पी करते रहे कोबरे को। हाँ, ये एक हफ्ते तक प्रैक्टिस किया था, प्रोग्राम लाइव जाता था, हम लाइव करके उसके बाद ये प्रैक्टिस होती थी, ताकि कोबरा पागल हो गया। अबे यार, फिर 9 बज गए, चलो भाई पप्पी का टाइम हो रहा है, मैं डर रहा था कोबरा। वेलकम बैक टू आस्का मनाए, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। मेरे साथ मौजूद हैं शाइस्ता लोधी। शाइस्ता, ये बताइए कि एक होस्ट के लिए क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ये सब बातें मैं नादिया खान से पूछ चुका हूँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक मॉर्निंग शो होस्ट सुबह उठ रहा है, रोज उठ रहा है, और मेरे ख्याल से 365 दिन उठ रहा है, उसके बावजूद आप इतना जो फ्रेश लुक लेकर आती थी टीवी पर, ये बहुत मुश्किल काम है, मुझसे नहीं हो पाए शायद। हाँ। तो हम 9 to 5 पे, ये बच्चे उनमें से बहुत सारे लोग नौकरी करेंगे, बहुत सारी लड़कियां नौकरी करेंगी, अब तो 9 to 5 का जमाना भी खत्म हो गया, अभी भी है काफी हद तक है, 9 to 8 हाँ, हो गया बल्कि और बढ़ गया। हाँ। तो ये किस तरह अपनी मॉर्निंग फ्रेश बना सकते हैं हम लोग, इस पर कुछ टिप्स तो देना, आपने तो किया होगा ये सब काम। मुझे लगता है किसी भी चीज के लिए ना कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी की आपकी बड़ी जरूरत होती है। जैसे मैंने भी 1 साल मॉर्निंग शो किया, अब वो उस वक्त की आदत जो है वो मुझे आज भी मदद करती है। आप जल्दी उठ जाते हैं? कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ। नहीं, ये तो मैं अलार्म हूँ अपने घर का। अच्छा, अलार्म तो है अभी। हाँ। 9 to आपका काम ऐसा था, टाइम स्पेसिफिक, लाइव जाना है, एक ही टाइम पे जाना है, बिल्कुल लेट होना अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, मतलब एक आंख पे मेकअप हुआ, एक आंख पे नहीं, फिर भी चलेगा लाइव। तो ये जो होता ना कि भाई जैसे हम रात में 3 बजे आए, आप सुबह उठना है, नहीं आंख खुल रही है, उसके बावजूद आपने खोलनी है। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता था ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि मैंने फिर अपनी सोशल लाइफ आप महदूद कर लेते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे होस्ट हैं, जहाँ आप थोड़ी देर पहले निदा की बात कर रहे थे, वो माशाल्लाह हर जगह मौजूद होती हैं, हर तकरीब हर सोशल इवेंट पे भी हैं। मुझसे ये नहीं हो सकता, एक तो मैं बहुत कोई ऐसे फ्रेंड्स और सोशल में सर्कल में बिल्कुल नहीं मूव नहीं करती, और दूसरे ये कि मैं अपनी लाइफ बड़ी फिर रखती हूँ कि जी अब 9 बजे 10 बजे के बाद मुझे बाहर नहीं जाना है, मैंने कोई कमिटमेंट नहीं करनी है कि मैं किसी इवेंट पर, जी जी बिल्कुल ज़रूर आ जाऊँगी। जो 10-11 बजे के बाद मेहमान आते हैं उनका क्या करती हैं? 10-11 बजे के बाद कोई मेहमान नहीं आता घर पे? मेहमान आते ही नहीं। नहीं, 10-11 बजे के बाद कौन आएंगे? छोटे बच्चों वाले घर के आप देख के जाते हैं ना, यही पाकिस्तान में बड़ा मसला है कि आप जिसके यहाँ जा रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं, आप उसके औकात तो देखें भाई, अगर बच्चों औकात देखें, मतलब उसके टाइम
ये गरीब हम इनके घर नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, उसका टाइम देखे ना, बच्चों को सुबह स्कूल जाना है, चीजें हैं तो ऑफ कोर्स ये तो हां इतनी ये हमारे थोड़ा सा हल्का सा इस सेंस का फॉर्म। अच्छा वो ये पूछते भी नहीं है फोन करके, हेलो हां अच्छा बस यार अभी फारिग हुई आ रही हूं बस। भाई हम तो बिस्तर में जा चुके हैं यार, इधर ही आ जाओ। अब ऐसा है कि आपको नए जमाने की टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराएंगे, आप खुद ऑलरेडी होंगी, मगर हमने अपने शो में भी जरा उसका टच दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी कि भाई शायस्ता मुख्तलिफ सिचुएशंस में कैसी होंगी, तो उसने बताया हमें। इस सेगमेंट का नाम है जोर से आई, हाँ, लेकिन प्रोग्राम का नाम है हंसना मना है, इसलिए आप भूलिएगा मत, जोर से आई। चलिए जोर से आई। हाँ, इतने इंटरव्यूज लिए आपने, अगर शायस्ता लोधी डायनासोर का इंटरव्यू लेती तो कैसी होती, दिखाइए। ये एआई ने आपकी तस्वीर खुद जनरेट की, खातून थोड़ी मिलती है आपसे, दिखाइए। अगला अगला है शायस्ता लोधी वॉल्केनो पर शो करते हुए, ये एआई ने कुछ और नहीं बना दिया इन्होंने, अब ये इसी तरह शायस्ता लोधी पकड़ी है इन्होंने। अच्छा, हो सकता है फ्यूचर में ऐसी हो जाए, आपका तो अपना काम है। बिलावल भुट्टो अगर होते एक्शन हीरो तो कैसे होते, दिखाओ बेटा। एक बात है, अच्छा प्यारा तो लग रहा है, प्यारा लग रहा है, मगर ये बनना नहीं चाह रहे, ऐसा लग रहा है एक्शन हीरो बनना नहीं चाह रहे यार, क्या है क्यों जबरदस्ती। हाँ लगता तो है काम कर सकते। शहबाज शरीफ एक्शन हीरो होते तो कैसे होते, पिस्तौल थोड़ी छोटी है फिर, ना ही, हाँ ना ही होते तो ठीक है। नवाज शरीफ अगर एक्शन हीरो होते ना करें। ऐसा ऐसा है कि लोगों ने आपको मॉर्निंग शोज में प्यार भरी बातें करते हुए देखा, मगर इनको नहीं पता कि आप कितने खतरे मोल ले सकती हैं। दिखाओ बेटा क्या क्या कर चुकी हैं शायस्ता, कोबरा आपके सामने क्या? अच्छा कोबरा, हाँ ये कोबरे को आपने पप्पी कर ली शायस्ता, जबकि वहां वकार जगह भी मौजूद थे, वो भी ये काम अच्छा कर लेती। ये क्या था, इतनी डेयरिंग कैसे हो गई आप? मैं तो नहीं, कोबरा मतलब बहुत भयानक लगता है वो। जब मैं ये कर रही थी तो मुझे अंदाजा नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा, ये एकदम से हमने इसको एक हफ्ते प्रैक्टिस किया था लिटरली। एक हफ्ते तक आप लोग कोबरे पप्पी करते रहे कोबरे को? हाँ ये एक हफ्ते तक प्रैक्टिस किया था, प्रोग्राम लाइव जाता था, हम लाइव करके उसके बाद ये प्रैक्टिस होती थी ताकि पूरे दिन कोबरा पागल हो गया। अरे यार फिर 9 बज गए, चलो भाई पप्पी का टाइम हो रहा है, मैं डर रहा था कोबरा मार के ना, अरे भाई इतना पप्पी, भाई चलो शायस्ता तक तो ठीक है यार, वकार जगह से पप्पी करता है यार, कोई इज्जत नहीं रही ना इस कोबरे की, डर नहीं ना इस पे, हंसते हैं एक आ गया पप्पी वाला कोबरा आ रहा है, बरादरी में पागल हुआ भाई। अरे क्यों ये काम, जाहिर बात है एक प्रोफेशन ऐसा है, टीवी का प्रोड्यूसर कराते थे या खुद से चाहती कि यार? नहीं नहीं, इस पर किसी ने मुझे नहीं कहा था कि ये मेरी अपनी मर्जी थी। मुझे ऐसे एक दिन वकार प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने बात की तो मैंने कहा अच्छा, उन्होंने बताया मेरे प्रोग्राम में ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो मैंने कहा अच्छा, तो कहते हैं वो ब्रेक के दौरान ही, आपको पता है वकार का वो किस तरह, ब्रेक के दौरान अच्छा ऐसा करते हैं आप लाइव आऊँगा तो मैं यूँ चैलेंज करूँगा, मैंने कहा अच्छा कर दो चैलेंज, उसने चैलेंज कर दिया आप कर सकते, मैंने कहा इसमें ऐसी कौन सी बात है मैं कर लूँ, अब जब ये बोल दिया तो उसके बाद प्रैक्टिस की और ये लाइव, अच्छा लाइव जाने से पहले 10-15 मिनट पहले इस प्रोग्राम के उन्होंने मुझे बताया कि जी ये इसका जो पॉइजन था वो तो इतने साल पहले निकला था तो अब तो पॉइजन दोबारा भर गया होगा। क्या कह रहे हैं आप? हाँ मुझे खुद अंदाजा नहीं था, मुझे पता चल ये था कि जी होता है की बात हो रही थी वकार जगह की, मेरे दोस्त साहब की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी हम 2 साल बाद जो इसकी होती है वो निकाल दी जाती है तो पॉइजन निकल जाता है और ऐसा होता है कुछ, उनकी लाइफ ऐसी होती है। अच्छा उसमें इसके तो सालों हो गए नहीं निकाला गया, इसका तो भरा हुआ होगा। और मैंने कहा यार अगर मैं तो मेरे काट ले ये तो फिर तो अच्छा, वहाँ आप सांपों पप्पी करो हमारी मिठाई पे इतना शक था आपको? अच्छा खैर हो, किसने कुछ कहा नहीं, यूं तो नहीं किया, क्या हो गया यूं तो नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, आराम से करवा ली। बड़ी बात है यार, ये बड़ी हिम्मत का काम है। अच्छा और आपको पता है मेरे घर वालों को नहीं पता था, उसके बाद टीवी चैनल से मेरे घर वालों को फ़ोन जाना शुरू हो गया कि यार ये आपकी बेटी ने, मेरे अब्बा ने मुझे फ़ोन किया इस प्रोग्राम के बाद, क्या आपने क्या कभी ऐसा नहीं किया, आपने क्या बेटा क्या पागलपन किया है, ऐसा कुछ किया आपने? अब तो हो गया, अब तो हो गया अब्बू, अब आप जाने सांप जाने। अच्छा ऐसे मैंने कभी सांप को पप्पी नहीं की, मगर कुछ लोगों को पप्पी की जो बाद में सांप निकले। लाओ बड़ा सांप लाओ, आज रिक्रिएट करेंगे, ये सांप भी मौजूद हमारे पास। नहीं
शाइस्ता, ऐसा है कि आपने माशाल्लाह से आपके हाथ में एक हुनर है, आप लोगों को खूबसूरत करती हैं, लेकिन आपके हाथों से आज दूसरा एक काम लेंगे, आज आपसे ड्राइंग बनवाएंगे। मैं भी बनाऊंगा, मैं भी बहुत बुरा हूँ अल्लाह की कसम, इतना बुरा हूँ, इतना बुरा हूँ, और जितने लोगों ने बनाई है आज तक वो सब ने बहुत बुरी बनाई है। अच्छा, कोई कॉम्पिटिशन, चलो बस ठीक, ठीक है। गेम का नाम है बनावटी, बनावटी। इसमें होगा ये, एक स्केच आएगा यहाँ पर, 5 सेकंड के लिए आएगा, जैसे ही स्केच आएगा 5 4 3 2 1 काउंटर मुंह से करेंगे, वो स्केच गायब हो जाएगा। जैसे ही गायब होगा हमें 30 सेकंड में बनाना है। मेमोरी गेम है। हाँ भाई, दिखाओ पहला स्केच। आप पहले दिखाएंगे? नहीं आप, अल्लाह कसम, प्लीज आप हैं। अच्छा, तलवार पकड़ा हुआ था आपने, रोटी बनाने में लगा मेरा ऐसे। नॉट बैड, कुछ अलग से, कुछ अलग नहीं, से नहीं, अच्छा है, अच्छा है। जिसको लगता है मैंने अच्छा बनाया वो तालियां बजाए, जिनको लगता है शाइस्ता ने अच्छा बजाया वो तालियां। आप ये देखो, आप ये देखें, आप आर्ट की कदर नहीं है। शाइस्ता इस पे साइन कर दीजिएगा ताकि पता चले आपने बनाया, हम ये लगाएंगे, बेचेंगे, 2-2 लाख रुपए में बिकेगी एक तस्वीर। दूसरा पेज दिखाइए बेटा जी, ये दो साल। हाँ क्या ये, अरे तकरीबन वो नहीं लग रहा, आप दिखाइएगा प्लीज। हाँ, ये आप ही का अच्छा है भाई, मेरा थोड़ा मैंने मेल में बना दिया, मेल में। जिसको लगता है मैंने अच्छा बनाया बता लिया मुझे। लास्ट भाई, लास्ट, आतिफ असलम। ये तो बहुत मुश्किल है भाई। दोनों आके थी, दोनों आके थी क्या? या नहीं, दोनों नहीं थी ना, एक थी। क्या लग रहा है मेरे को? आतिफ असलम नहीं लग रही है, चाहत लग रही है, चाहत। दिखाएं शाइस्ता। मेरे तो ना ही देखे, आतिफ से लड़ाई हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, दिखाएं। माशाल्लाह, भाईजान, थैंक यू यार। ये तो लग रहा है वो हेलमेट पहने हुए यार। बहुत बहुत शाइस्ता, बहुत बुरी बनाई, वेरी वेल डन, ताली होनी चाहिए शाइस्ता। बहुत ही रोजा वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, ऐसा मना कहीं नहीं जाएगा। तालियां। ताहिर लोधी क्या करते हुए पकड़े गए? नकल करते, नकल करते। अगला, हाँ, ताहिर लोधी किसकी नकल करते हुए पकड़े गए? पर्चे की इंजेक्शन हाथ की जगह कहाँ लगता है? बाजू पे। वेरी गुड। बंदर ने आपके कान में क्या कहा? तुम बहुत प्यारी हो।
Qadir Aza, welcome back to Asna Mana, presented by Surfaxel. मेरे साथ मौजूद है शाइस्ता लोधी. ऐसा है शाइस्ता, वक्त आ चुका है आपके साथ खेलेंगे ढाई सेकंड का मामला. इस गेम में होगा ये कि आपसे सवालात पूछेंगे. ये सवालात रैंडम है. अब इन सवालात में हमें सही गलत जवाब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जवाब चाहिए ढाई सेकंड के अंदर. अच्छा, मतलब ब्रेन का कोई काम नहीं? कोई काम नहीं है ब्रेन का, सिर्फ जो आ रहा है बोल रहा है. जवाब नहीं दिया अगर आपने, टाइम एक्सीड कर गई तो बजर बजेगा. बजर बजाओ बेटा. ठीक है, ये बजर है? बस ये मजर है, फंसा हुआ ये बजर. मजर भाई है फंसे में कहीं. पहला सवाल, ग्लोइंग स्किन कैसे की जाती है? थप्पड़ मार के. जाली डिग्री कहाँ छुपा रखी है? अलमारी में. अलमारी पता करो. जैपनीज में आई लव यू कैसे बोलते हैं? जैपनीज फंसा हुआ है कहीं. तकिए के नीचे से कह रहे हैं. मॉर्निंग शो में क्या नहीं होना चाहिए? सब कुछ होना चाहिए. नो, शादी नहीं होनी चाहिए. शादी नहीं होनी चाहिए मॉर्निंग शो में. यहाँ रात के शो में होनी चाहिए. साहिर लोधी क्या करते हुए पकड़े गए? नकल करते हुए. नकल करते. अगला. हाँ, साहिर लोधी किसकी नकल करते हुए पकड़े गए? पर्चे की. इंजेक्शन हाथ की जगह कहाँ लगता है? बाजू पे. वेरी गुड. बंदर ने आपके कान में क्या कहा? तुम बहुत प्यारी हो. काबिश कैसा होस्ट है? ठीक है. इलाज के लिए नहीं आया वो कि ठीक है और गलत है. अच्छा, जवानी में क्या होता है? प्यार होता है बिल्कुल. सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करती है? टूथब्रश करती है. मेरी आंखें नहीं खोलती क्या? ऐसी बंद चली जाती है. बुढ़ापे में आदमी क्या करता है? रिलैक्स करता है. वाह 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 वाह, बहुत जगेला खवातीन हज़रा. शाइस्ता ने ब्रिलियंट जवाब दिए. वक्त आ चुका है कि आपके फैंस के पास दोबारा जाएं और बची कुछ ऑडियंस से इंटरेक्ट करें. आओ भाई, आप कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ईद मुबारक. खैर मुबारक. क्या नाम है आपका? कमल सरवर. कमल, क्या करती हैं आप? जी, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ. वाह, एडवोकेट हाई कोर्ट, वेरी नाइस. मैडम, तो आज तो कचहरी बंद होगी ईद का दिन, तो आज कुछ सवाल लाई? हमने आपके लिए कचहरी बंद करके आए यार. मेरे लिए तो बंद ही रखे हैं. बताइए सवाल. जी, मेरा शाइस्ता से क्वेश्चन है कि आप पहले मॉर्निंग शो करती थी, अब आपको क्या सूझी कि आप ड्रामास में भी आना शुरू हो गई? अरे, मॉर्निंग शो के बाद आप ड्रामे में आना शुरू हो गई, तो अपने करियर चेंज है या इसकी नेशनल एक्सटेंशन? नहीं नहीं नहीं, एक्सटेंशन है तो वही सारा मीडिया. तो मैं कुछ चेंज करना चाहती थी तो मैंने ड्रामा कर लिया. कोई बेसिक इसका पर्पस था इसके अलावा? जो क्या पर्पस बेसिक हो सकता, मतलब इसमें कोई प्रेशर गहराई है? पैसे कम मिलते हैं ड्रामे में. अच्छा, यस. अभी आप लोग मुझे धड़ाधड़ भेज रहे हो ड्रामों की स्क्रिप्ट. पैसे कम मिलते हैं भाई, मतलब उतने नहीं मिलते जितने शोज वगैरह में मिलते हैं. थैंक यू. और मेहनत बहुत ज्यादा है. मेहनत बहुत ज्यादा. वो तो पता है, 10-10, 12-16 घंटे की शूट. ओहो, बहुत मुश्किल काम है. वैसे जो भी आप में से एक्टिंग, ड्रामे और ये इवन एड्स करना चाहते हैं, बेटा ये इतनी मेहनत और बोरिंग काम है करना. देखने में इंटरेस्टिंग लगते हैं, हाँ, लेकिन करने में पेशेंस खत्म हो जाता है. बहुत ज्यादा. अब वो क्या सूझी आप कचहरी जाते जाते शो में आ गई? आपको लेने आए थे तो आपने कहा शो कर लो फिर चलते हैं. क्यों, इन्होंने वकालत कर ली है क्या? मैं और ये दोनों अब बाहर जाएंगे. ये हाई कोर्ट बार, हाँ, बैठेंगे थोड़ा एहतजाज करेंगे. नहीं नहीं, आपको हाई कोर्ट बार नहीं, कोर्ट लखपत लेकर जाना है. कोर्ट लखपत. हर बड़ा आदमी वहाँ जाता है. हर बड़ा आदमी कोर्ट लखपत या अडियाला. अच्छा, अगर मेरा केस खुदा ना खास्ता कभी हो ना, तो आप सब खवातीन ने मेरे लिए आवाज़ उठानी है. जी जी जी. मेरे खिलाफ भी उठा लीजिएगा. थैंक यू. थैंक यू सो मच. वालेकुम अस्सलाम. ईद मुबारक. खैर मुबारक तबीज भाई, और आपको भी ईद मुबारक. भी ईद मुबारक. अच्छा, कहना नहीं चाह रही थी वैसी कहा आपको भी. अच्छा, क्या नाम है आपका मैडम? अक्सा नाम है मेरा. क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ हूँ. हाउसवाइफ है, माशाल्लाह. कोई सवाल है? हाँ जी, आपसे सवाल है शाइस्ता से मेरा, कि आपकी जो है इस फील्ड में, इंडस्ट्री में, ये वाइटनिंग इंजेक्शन का बहुत ट्रेंड है, तो आपका इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कस्टमर कौन सा है? भारी सवाल. प्रोग्राम में यहाँ नाम तो बताने नहीं आई. अच्छा, इंडस्ट्री में भारी कस्टमर है, कोई बड़ा कस्टमर जी है? जी. दर्जन के हिसाब से कोई लगवा रहा है? अच्छा, मेल है या फीमेल? कोई ऐसा कोई कहते, बस मेरे अंदर पाइप डाल दो इंजेक्शन की जगह.
ऐसे भी लोग आपके कस्टमर्स मतलब मेल ज्यादा है या फीमेल? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। दोनों है लेकिन फीमेल ज्यादा। फीमेल ज्यादा। ऑब्वियसली वो जरा ज्यादा कॉन्शियस होते हैं लुक्स की। और अब अच्छा, कितना बहुत डिफरेंस है रेशो में या नहीं? कोई इतना ज्यादा डिफरेंस 60-40 होगा? जी जी 60-40 व्हिच इज अ वेरी हेल्दी नंबर। ठीक है, हेल्दी साइन है कि मर्द ज्यादा भी अपने लिए इतने कॉन्शियस। अच्छा, अब थैंक यू अक्सर आपने सवाल छेड़ा। मुझे एक बात बताइए, हमारी सोसाइटी में दो किस्म के लोग हैं। एक कहते हैं कि यार ये नाशुक्रिया है कि ये चेंज करा लिया, नाक इधर करा लिया, बड़ा करा लिया, छोटा करा लिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये हक है इंसान का कि यार जिस तरह वो नाखून भी काटता है, जॉगिंग करके अपनी बॉडी स्लिम करता है, जिम जाता है, दिस इज अपने आप को बेहतर करने के लिए, व्हाई नॉट। आप किस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करती हैं? मैं बिल्कुल इसको कि ये करना चाहिए, मतलब अगर ख्वाहिश है तो उसको कर लें। अगर आप अच्छा, आप मेकअप भी तो करते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा दिखने के लिए पहनते हैं, तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट वाली, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, एनीथिंग, आप अपने बारे में अच्छा फील करते हैं, बाकी रहने दें, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, आप अपने आप को अच्छा फील करते हैं अगर तो। मगर एज अ प्रोफेशनल शायस्ता, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है कि मुझे अब लेट्स से मैं आ रहा हूँ आपके पास 60 साल की उम्र में, अगर शायस्ता मुझे थोड़ा सा जवान दिखना है, आप मुझे सबसे पहले सर्जरी सजेस्ट करेंगी या पहले कहेंगी सर ये डाइट चेंज करो तापेश, या ये आप तो ऐसी होंगी, मैं हो चुका हूँ, तो आप मुझे बताएंगे डाइट चेंज करो ये करो, या डायरेक्ट बोलेंगी इधर लेटो छकाचक काटा और टाइट कर दी इसके? नहीं, जो हो सकता है वो ज़रूर आपको बताएंगे और रियलिस्टिक ग्राउंड से बताएंगे कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर एक कोई 70 साल की खातून या मर्द आके मुझसे ये कहते हैं, बात सुने मुझे हुमायूं करके, हाँ मतलब वो तो बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो कभी आपके पास जो एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, ये हो सकता है ये नहीं हो सकता। अरे शायद एक इंटरेस्टिंग सवाल, कुछ लोग आपके पास आते हैं, जाहिर बात है आप बॉडी मॉडिफिकेशन चेहरा ये वो करती हैं, तो कोई आके आपके पास खास फरमाइश ये भी करते होंगे हमें एक्टर जैसा कर दें? आपको अंदाजा नहीं है कि मियां हजरात जो हैं वो अपनी बीवियों को व्हाट्सएप, मैं तो परेशान व्हाट्सएप पे मुझे दिखा, ये देखिए ये मेरे मियां ने भेजा है, मैं ऐसी हो सकती हूँ? और उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा, मियां से नहीं पूछ रही तुम ये देख क्यों रहे हो तुम, यही मसला। मैंने सोचा कि यार अगर मैं ये बीवी होती इस बंदे की, मैंने तो उसको जिंदगी मतलब खराब कर देनी पड़े, मेरी तो हिम्मत ही ना पड़े। अच्छा ये बताएं शायस्ता, सबसे ज्यादा किसकी तस्वीर लेकर आते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में से कि हमें इस जैसा दिखना है, ये तो बता सकती हो, तारीफ है? मानूर बलोच। हाय हाय, अब तो आयजा की लेकर आते हैं, आयजा की लेकर आते हैं। अच्छा, मानूर बलोच जैसा दिखना है या आयजा जैसा दिखना है? वेरी नाइस। अच्छा, ये दो नाम बड़े इंटरेस्टिंग। और मर्दाना में क्या आते हैं कि हमें ये दिखना है? कभी किसी ने कहा ताबिश जैसा दिखना है? नहीं, सब कहते हैं फहद मुस्तफा जैसे नजर आ सकते हैं। अरे वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या नाम है सर? डॉक्टर यासिर सर। डॉक्टर सर, ये मेडिकल डॉक्टर हैं या पढ़ाई वाले? अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट। अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट। सवाल है या इलाज है? मेरा मैम से एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम चूंकि अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट हैं तो हमारा पेशेंट के साथ जो रहता है तो वो मोस्टली हम ये एडवाइस करते हैं कि हमें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के एंड पे ना एक कोई वाइटनिंग मेडिसिन के हवाले से ना कुछ रिकमेंड कर दें रिपोर्ट के एंड पे। आपसे नहीं पूछते हैं लोग? अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की एंड पे हमें कह देते हैं कि आप हमें मेडिसिन रिकमेंड करें ब्यूटी के लिए, वाइटनिंग के लिए, कोई वाइटनिंग क्रीम या कोई वाइटनिंग मेडिसिन। कौन सा अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं आप? कोई भी हो सकता है कुछ। बहुत अच्छा सवाल है, इनसे क्यों पूछ रहे हैं? ये मैं पेशेंट्स के डिमांड आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एब्डोमिनल कर रहे हैं या एब्डोमिनल हो सकता है, ओब्स हो सकता है, किसी भी हवाले से मोस्टली जो होते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं हमसे अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये ठीक है अल्ट्रासाउंड वगैरह, इसके नीचे को आप ब्यूटी का वो भी लिख दें। तो हम तो चूंकि अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट हैं तो आप माशाल्लाह डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो आप आज ईद का दिन भी है तो खुशी की वजह से आप कोई पेशेंट्स को और हमारे ऑडियंस को 30 सेकंड में खूबसूरत होने का टिप्स बता दें। 30 सेकंड में तो खूबसूरत नहीं हो पाएंगे, ये 30 लाख में हो सकते हैं। और ये आप अपने जहन में रखें कि सिर्फ गोरा होना खूबसूरती की अलामत नहीं है डॉक्टर साहब। बहुत अच्छी बात। नहीं, ये मैं पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट्स आपसे बता रहा था। पेशेंट इस तरह से आप पूछ रहे हो, मुझे पेशेंट के लिए लग नहीं रहा ये भाई। सच्ची बात है, जोर दिए जाने, बताएं ना। ये सर मुहाशरे की आवाज है। भाई आप अच्छे खासे हो और गोरा होने। अच्छा, ये शायस्ता ये जो गोरा काला है ये क्या है? ये पैरामीटर्स लोगों ने बनाए हुए हैं, कुछ भी। अब इतने ब्यूटी के ट्रेंड्स डिफरेंट हो गए हैं लेकिन अब भी हम अब उसी जगह पड़े हैं कि हमें, और इस चीज ने लोगों की जिंदगियां कितनी खराब तबाह की। स्किन कैंसर कितना रैम्पेंट है पाकिस्तान में, बताइए। स्किन कैंसर को छोड़िए एक तरफ बिल्कुल, लेकिन उसकी वजह से ये क्या क्या कर लेते हैं। और हम कहां तक हैं कि अगर एक बिल्कुल न्यूली मेड मॉम है और वो आई है और वो कहती है कि मेरा बच्चा 6 महीने का है,
और मैं मेरा बच्चे का रंग ऐसा है, पता नहीं हाई हाई किस पे चला गया, तो आप इसको कुछ दे दें, तो आप, मैं हैरान होती हूँ, 6 महीने का बच्चा आप देती तो नहीं ना खुदा, नहीं नहीं सवाल ही नहीं, मना कर देती है, 12 साल 10 साल 14 साल की लड़कियों को लाके आप हमारी ज़हनी गुलामी देखें कि वो बच्ची सामने बैठी होती है और माँ कहती है उसके सामने कि देखें मेरी सारी बच्चियाँ तो बड़े अच्छे रंग की हैं, अब आप देखें ना इसकी उम्र 12-14 साल की बच्चियों की बात करें, अब इसकी उम्र आने वाली है, अब देखिए रंग है, कौन देखेगा, मैं सोचती हूँ यार हम कौन लोग हैं, हम लोग, हम अपने बच्चों के साथ, हम अपने लोगों के साथ खुद ही ज्यादती करते हैं, क्योंकि हम उसकी शायद हम पले में उस माहौल में उस उन चीज़ों में, तो हम सिर्फ यही कर रहे होते हैं। अच्छा शाहिद साहब, आपकी क्योंकि इससे ताल्लुक़ है, आप इस इंडस्ट्री से, अब तो खैर काफ़ी एक रेवोल्यूशन आया कि जो ब्यूटी क्रीम्स हैं इनको वाइटनिंग क्रीम नहीं कहा जाता, ग्लोइंग कम से कम, अच्छा कदम है, कॉस्मेटिक चेंज तो कर ही दिया, मगर ये जो मसला है कि हमारे इंटीरियर गाँवों में लोग, और मैं आपको ये बात बता दूँ, ये जो इंजेक्शन की हम बात करते हैं कि वाइटनिंग इंजेक्शन है, ऐसा कोई दुनिया में इंजेक्शन नहीं है जो आपको वाइट कर दे। अच्छा जी, तो जो लोग लगवा रहे हैं क्या लगवा वो रहे हैं, वो इंडिया पाकिस्तान में उसको वाइटनिंग कहा जाता है, उसके मसरफ डिफरेंट है, इसलिए मतलब लगता है वो एंटायर ऑक्सीडेंट है आपकी बॉडी की क्लेंज करता है, दैट इज इट, उससे थोड़ा सा उसका थोड़ा सा एक इंपैक्ट आ जाता जी बस, लेकिन उसका मेन काम, लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान में चूंकि बेचना था तो कोई तो ऐसा लफ्ज निकालना था कि उसको वाइटनिंग बोला जाए। छोटे से ब्रेक का देख लीजिए, वापस आइए, ऐसा होना कहीं नहीं जाएगा, पर लिप्स पे ना सर्कल्स हैं, वाइट सर्कल, हमने 2-3 डॉक्टर से अप्रोच किया है लेकिन नहीं हुआ, अभी आपको देख के मुझे यकीन हो रहा है कि वो भी मसला हल हो सकता है, हल हो सकता है, आप ले आए देखते हैं, आप जिस तरह बता रहे हैं वो पता नहीं वाइट सर्कल है क्या है, फंगस वगैरह तो नहीं है, नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ओनली वन गलती वाइट डॉट्स है, ये मैंने देखा हुआ है, भाई ये क्लिनिक थोड़ी खोला हुआ है मैंने इधर यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है उस्ताद? हसन रजा। हसन क्या करते हो? सर स्टडी करता हूँ। किस चीज में? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर। अरे वेरी नाइस, ईद मुबारक सर। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, तमाम इंजीनियर्स को खास तौर पे ईद मुबारक, क्योंकि अक्सर इस ईद पे बिजी होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और इसीलिए 4 जुमले बोल के फिर बोला है कि ईद मुबारक, बिजली का हशर यही है। नहीं उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो बिजी होगा, बकरीद पे हम लोग अक्सर गाय वाय काट रहे होते हैं। नहीं नहीं सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या बाकी जो इंजीनियर सारे वेले ही होते हैं, हम टाइम पास होते हैं। मैं खुद इंजीनियर हूँ, मुझे पता है सारे वेले ही हैं, कहाँ पे जॉब्स हैं हमारे लिए, कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करो। हाँ ये मसला बताओ, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मसला है, पाकिस्तान में बहुत सारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज बन चुकी हैं, हर साल कम से कम 20,000 से 25,000 बच्चा ग्रेजुएट होकर निकल रहा है, ना कोई इंडस्ट्री लग रही है, ना कंपनीज जो थी वो जा रही है, तो इन बेचारों के पास नौकरी नहीं है, तो वो शोज ही कर रहे हैं। डॉक्टरों का भी यही हाल है, लेकिन देख ले डॉक्टरी भी जा रही है, यहाँ तो पता ही नहीं है कुछ क्या करना है। मैं घर में स्त्रियां ठीक करता हूँ भाई, मेरी भी हाँ भाई, तुमने सवाल किया तुम्हारा, मेरा मैम शायस्ता से सवाल है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैम मेरी एक फियांसी है, तो अच्छा इंजीनियरिंग हो के बावजूद मेरी फूफो की बेटी है, मेरे बाबा ने कर दी है, क्या करें, अब मजबूरी जो हो गई है, तो उनके ना अपर लिप्स पे ना सर्कल्स हैं, वाइट सर्कल, हमने 2-3 डॉक्टर से अप्रोच किया लेकिन नहीं हुआ, अभी आपको देख के मुझे यकीन हो रहा है कि वो भी मसला हल हो सकता है, हल हो सकता है, आप ले आए देखते हैं, आप जिस तरह बता रहे हैं वो पता नहीं वाइट सर्कल है क्या है, फंगस वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ओनली वन गलती वाइट डॉट्स है, ये मैंने देखा हुआ है, भाई ये क्लिनिक थोड़ी खोला हुआ है मैंने इधर यार, आप ले आए एक दफा तो मैं देख के बता सकते हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता। क्लिनिक पे ले आऊं? बेटा तुम गूगल करना शाइस्ता का क्लिनिक किधर है, ठीक है, कराची में है, इतना खर्चा लाहौर में भी है, लाहौर में भी फेस 6, अरे हाँ फेस 6 लाहौर में भी बेटा, लेकिन बहुत महंगा है सच बता रहा हूँ। कोई बात नहीं है सर, इस मुलाकात तो हो जाएगी ना मैम शाइस्ता से। सर्कल गए भाड़ में, वो नहीं चाहिए इसको। थैंक यू बेटा। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा अगर नहीं ठीक हुआ तो? नहीं ठीक हुआ तो फिर भी मजबूरी है, फूफो की बेटी है, करना तो पड़ेगा ना। नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते, वो भी किसी, वो भी लड़की है, तो मैं उसकी भी तो ख्वाहिश होगी कि मेरा शहजादा आएगा, बदले में तू जाएगा। इसका भी तो सोच लेना। अभी मुझे बोलने को बेटा, एक सेकंड, वो भी आई थी ना क्राउड में, सवाल पूछी शाइस्ता, मेरा एक फियांसे है, उसके होठ से ऊपर वाला सारा हिस्सा जो है ना वो मुझे बदलवाना है। नहीं सर आपको मैं कहाँ से शहजादा लग रहा हूँ आप बताएं। वही तो कह रहा हूँ बेटा, मैं तंजी कर रहा था, मैं को सीरियस नहीं था।
छोड़, मजबूरी है यार, वो किसी की बेटी है यार, मजबूरी है बेटा, प्यार से लेकर आना वरना। और ये मजबूरी मजबूरी कुछ नहीं होती। हाँ। अच्छा आपको कौन सा कटरीना कैफ मिलने वाली थी? शाइस्ता शाइस्ता वक्त आ चुका है कि आपको आपके दिल के करीब एक शख्सियत को बचाना है। सेगमेंट का नाम है बचाओ, और इसके गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं फिलिप्स पर्सनल केयर, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा है जो आपके साथ जाएगा। दिखाइए भाई बचाओ में आज कौन है जिनको शाइस्ता बचाई। अरे भैया है, ठीक है, साहिर है, साहिर कश्ती में और बंद है, मगर उनको इस बात का गम नहीं लग रहा। आपके पास एक मिनट का काउंटर है, एक मिनट आपके पास मौजूद है, तीन सवाल पूछूंगा, अगर इन तीन सवालों के आपने एक मिनट के अंदर जवाब दे दिए तो साहिर बच जाएंगे, नहीं दिए तो शायर कह रहा हूँ शायर मजीद फंस जाएंगे। अच्छा दिखाता हूँ, पहला सवाल, कोई भी छह स्पेशलाइजेशन के नाम जो एक डॉक्टर कर सकता है। न्यूरोसर्जन, मेडिकल स्पेशलिस्ट, ER, एस्थेटिक फिजिशियन एंड सर्जन, ऑप्शन गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट छह हो गई ना, किडनी क्या, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट स्टॉप हो गए, रोको, ऐसे आठ शहर जिनके नाम में आबाद आता हो, आबाद आखिर में आता है ना, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, हैदराबाद, बताएंगी ना यार, हाँ नहीं हेल्प करने दें, करें करें हेल्प, अहमदाबाद, एबटाबाद, जैकबाबाद, वजीराबाद, एक रह गया, नहीं हो गए, सादकबाद हो गया, स्टॉप स्टॉप, आप लोग बचा लो यार, आखिरी सवाल है, ये खुद बताएंगे, नहीं बिल्कुल आसान है, अच्छा चले आसान है, किचन में पाए जाने वाली कोई 10 चीजें, चूल्हा, चिमटा, से आगे तवा, से, तवा, चमचा, छोटा चमचा, बड़ा चमचा, बेलन, बेलन, तवा, तवा, डिश, 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 दो रह गई, दो, कढ़ाई, 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 हो गए, इतना बड़ा मुल्क का टैलेंट, अगर आप बचा लेती ना, देखिए साहिर भाई अपनी फेवरेट पोजीशन में आ जाते, दिखाओ आजाद हो जाते। तो तीनों हजरात मेरे साथ मौजूद थे, शाइस्ता लोधी, बहुत मजा आया शाइस्ता, हम तो शरारतें करते हैं, हम तो इस काम के लिए मशहूर हैं, लेकिन जाने से पहले एक तो ये आपने साहिर भाई को नहीं बचाया, इस सिलसिले में आपको एक गिफ्ट मिलेगा जो आपके साथ जाएगा, रखिए प्लीज। शाइस्ता थैंक यू सो मच कि आप हंसना मनाए में आई, आपने चार चांद लगा दिए शो को, बहुत मजा आया आपसे बात करने का। ख़वातीन आज़ाद जाने से पहले, आज ईद का दिन है, एक ख़ास मेहमान और एक ख़ास बात, आज जाने से पहले मैं कमाल की बात करता हूँ। अच्छा आज की जो कमाल की बात है वो स्टीवन एचेसन ने कही है, कहते हैं कि योर आउटर ब्यूटी विल कैप्चर द आइज, योर इनर ब्यूटी विल कैप्चर द हार्ट, यानी आप जिस तरह दिखते हैं वो दूसरों की आंखों को ज़रूर भाता हो, उस तरह दिल को ना भाता हो, मगर आपका करेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आपके अंदर की अच्छाई वही हैं जो दूसरों का दिल जीतते हैं। 11:55 बज रहे हैं आप सबकी घड़ियों में, ऐसा 11:55 पर आप यूजुअली क्या करती हैं रात के? तो ये शो आप नहीं देखेंगी? नहीं अब देख के सोई हो तो देख, हाँ, देख के सोइएगा ताकि आपको पता हो कि क्या क्या जो है आया है और क्या क्या पसंद आया है। आप एक बहुत ही अच्छा एडिशन है इंडस्ट्री का, थैंक यू सो मच, और बल्कि हमें तो इंतजार है तभी ताबिश के शो में जाना है, और अलर्ट हो जाते हैं हम, पता नहीं क्या पूछ लेंगे और किस तरह का मजाक कर देंगे, लेकिन बहुत दिन बाद एक बड़ा अच्छा टैलेंट प्रोड्यूस, थैंक यू सो मच शाइस्ता। ख़वातीन हज़रात आप भी अच्छा टैलेंट प्रोड्यूस कीजिए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।